ऋषभ कहाँ गया? वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया। लगा वाकई में यति आ गया है। अभी मुझे मेरी मनी की शक्तियां जागृत करनी पड़ेंगी वरना ये यति मुझे मार डालेगा। ओम त्र्यंबकम।
अब मैं शेष नागिन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। मेरे पीछे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आज तो जान जाते जाते ही बच गई, चला गया यति, चला गया। यति, आप शेष नागिन को ढूंढ रहे थे ना? लीजिए, ये शेष नागिन आपके सामने खड़ी है। हाँ, मैं ही हूं, नागिनों की महानागिन शेष नागिन। मैं जानती हूं आप कौन हो। आपने मुझे शेष नागिन बनाने के लिए जानबूझ के यति का रूप धारण किया है ना, ताकि महक डर से तीन बार कह दे कि वो शेष नागिन नहीं है। तो अब सच में वो शेष नागिन नहीं रही, और अब वो पद मुझे मिल गया है, और शेष नागिन मैं बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद की, पर अब यहाँ के आगे का रास्ता मुझे खुद ही तय करना है। शेषनाग ने कहा था ना कि आगे की कहानी सिर्फ तभी पता चलेगी जब इस किताब का पन्ना मैं खुद पलटूं, पर आगे का पन्ना तो आपको पलटना पड़ा, क्योंकि मैं जिंदा थी। मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि मुझे दिया गया लक्ष्य अब भी अधूरा है, अब उसे मुझे पूरा करना है। मैं जानती हूं शेषनाग के कहने पे आप मेरी मदद करने आए हैं। फरिश्ता आपको और शेषनाग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।